हेलो एवरी वन टू अव आई एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी ई आई एस एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू आवर इनिशिएटिव अभ्यास टू पॉइंट अभ्यास टू पॉइंट हमारा इनिशिएटिव एक्सक्लूसिवली एच एस के लिए जो कि इलेवन फरवरी को कंडक्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू एच पी एस सी नोटिफिकेशन इस सीरीज़ के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट एम हैं जो अपने एक्सेस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है वेदर इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर सिमिलर क्वेश्चन सारे के सारों के साथ डील करेंगे हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे आपका स्टैटिक आपका करंट अफेयर्स हरियाणा जीके एवरीथिंग पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस एनवायरमेंट टेक सब कुछ इसके अंदर डील किया जाएगा सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वी विल ट्राई टू कवर राइट एंड आई रियली होप यू आर फॉलोइंग आवर लेक्चर सीरीज़ and you are very well preparing for your upcoming exam of HS prelims as well. So, with this, let's start our today's video, which is on economy, and the topic of the today's video is balance of payment external sector. Aj balance of payments related important MCQs, dekhenge. and we will try to learn also about balance of payment through these MCQs. See, MCQs are very very important for your preparation. स्टडिंग इज वन थिंग पढ़ना अपनी जगह होता है पढ़ाई अपनी जगह होती है और उसके बाद वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका सेकंड पार्ट सेकंड स्टेज होती है द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडिंग विच वेयर एमसीक्यू कम्स जहां पर एमसीक्यू का रोल आता है जहां पर आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखोगे यू विल अप्लाई एक्चुअली अप्लाई एंड यू विल लर्न न्यू थिंग्स एज वेल थ्रू दोज एमसीक्यू यू विल लर्न हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एज वेल कैसे क्वेश्चन को किया जाता है कैसे एलिमिनेट किया जाता है कैसे ऑप्शन को रिड्यूस किया जाता है

ऑप्शन है आपके रेजिडेंस ऑफ अ नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन बी नॉन रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन सी रेजिडेंट्स नेशन एंड नॉन रेजिडेंट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द सी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बीओपी बीओपी इज इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो वॉट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक रिकॉर्ड है बेसिकली इट अस्टमेटिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करके किया जा रहा है किसका में किस चीज का, मेंटे, का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कौन मेंटेन कर रहे हैं बाई द वे सेंट्रल बैंक आरबीआई मेंटेन करता है इसको इंडिया के अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किस चीज का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही हैं राइट right? जिसके अंदर चीज़ें एक करन, एक्स करेंसी का एक्सचेंज होगा बेसिकली राइट जिसके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब मन मोनिट्री एक्सचेंज होना चाहिए हमेशा दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जहाँ पे पैसे का एक्सचेंज डेफिनेट हो उसी को आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही बोलो, बोलोगे इकोनॉमिक एक्सचेंज बोलोगे सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन कंट्री के रेजिडेंट्स एंड बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजिडेंट्स और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी उसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा उसको बोलते बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट सो दिस इज अब अकॉर्ड लेट टू द क्वेश्चन नाउ सी रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज करेक्ट नॉन रेजिडेंट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज नॉन रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स का होगा एंड ऑफ अ नेशन एंड नॉन रेजिडेंट नो बिकॉज सिर्फ नॉन रेजिडेंट नहीं इसके अलावा बाकी सारा वर्ल्ड भी इंक्लूडेड होगा इसके अंदर एंड डी ऑब्वियसली ये नहीं है तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए रेजिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सी नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिडेंट हुज हुट्री ट्रांजेक्शन गेट रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इंक्लूड्स राइट यहां पर पूछा है कि जो मैंने वर्ड यूज किया था रेजिडेंट्स उस रेजिडेंट के अंदर इंक्लूडेड कौन कौन होता है क्या उसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगे क्या इंडिविजुअल्स आएंगे क्या फर्म्स के सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव सी रेजिडेंट्स का जो मतलब है यहां पर जो पीछे मैंने वर्ड यूज किया अभी इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडेंट्स सी दिस रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड ओनली इंडिविजुअल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिव्यूजल रेजिडेंस उनको इंक्लूड किया जा रहा है इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी इंक्लूडेड है यस डेफिनेटली इंक्लूडेड है इंडिविजुअल्स तो ही है और प्राइवेट फार्म दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिया के अंदर जो भी आपकी एजेंसी है इंडिविजुअल है फॉर्म्स है सब कुछ इंक्लूडेड है बिटवीन द रेजिडेंट्स राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड यू आर लर्निंग थिंग्स थ्रू दीज क्वेश्चन सी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थ्री द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर अब आपसे पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या है सी देर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इट कम्स टू बीओपी देर आर टू अकाउंट हमने दो अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं इसके अंदर वन इज करंट अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट राइट एक करंट अकाउंट है एक कैपिटल अकाउंट है करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी इसके अंदर बेसिकली आते हैं आपके गुड्स और सर्विसेज मेजरली आपके गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड है वो इसके अंदर काउंट होगा एंड इन वन वैन इट टू कैपिटल अकाउंट यहां पर आपके आते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट लेस जहां पर डायरेक्ट आपका पैसा आया जा रहा है इन्वेस्ट कैश का इन्फ्लो हो रहा है एक तरीके से यहां पर ट्रेड की बात होगी करंट अकाउंट में जो कॉमोडिटी एक्सचेंज होती है एक्चुअली में हाँ ये yes, इसके अंदर ट्रांसफर अकाउंट्स भी होते हैं यहां पर वन वे पेमेंट होगी लाइक रेमिटेंसिस बट मोर लेस गुड्स एंड सर्विस ज्यादा ब्रॉडली पार्ट ऑफ दिस और कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक एफ डी आई एफ आई आई अगर कोई लोन के टर्म से पैसा आ रहा है एनआरआई के जो डिपोजिट्स होंगे ऑल दैट विल इंक्लूडेड अंडर कैपिटल अकाउंट राइट सो दीज टू ब्रॉड अकाउंट्स आर देर अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट विच आर द रिकॉर्ड ऑफ दीज टू अकाउंट इज एक्चुअली मेंटेन और जब उसका नेट निकाला जाता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जब नेट निकालेंगे उसको ऐड करेंगे कि यहां पर कितना पॉजिटिव है कितना सरप्लस कितना डेफिसिट है सेम कैपिटल अकाउंट में कितना सरप्लस कितना डेफिसिट है और जब नेट निकालोगे दोनों को ऐड करके दैट विल बी एक्चुअली योर बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न द कंपोनेट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर कैपिटल अकाउंट येस करंट अकाउंट येस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी राइट ओके सी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंस ऑफ ट्रेड अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चीज है अभी तक हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे थे नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑप्शंस हैं आपके डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स सी आई सजेस्ट यू जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो वीडियो को एक बार पॉज किया करो अपने आप पहले अटेम्प्ट किया करो देन कंटिन्यू सो so दैट आपका भी दिमाग थोड़ा चलता रहेगा माइंड बॉगलिंग होगी तो चीज़ें अच्छे से याद भी होती है समझ भी आती हैं अगर आप ऐसी सीधा देखते चले जाओगे तो चीज़ें उतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं होती सो पॉज द वीडियो अटैम्प क्वेश्चन बाय यल्फ राइट ऑप्शन चूज कीजिए एंड देन कंटिन्यू लेट यू विल सी कि आपने अगर सही ऑप्शन किया तो क्या कि बिल्कुल सही चल रहे हो अगर कहाँ पे गलतियाँ हो रही है आपको पता लगे कहाँ आप गलती कर रहे हो अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया है तो देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू लर्न थिंग्स राइट ओके नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चीज़ है सी अब यहां पर जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके आते हैं गुड्स और सर्विसेज राइट तो जो गुड्स है खाली गुड्स के अंदर आप जब प्लस और माइनस देखोगे कि कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट हुआ है कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट इंपोर्ट के केस में आपकी करेंसी बाहर जाएगी कम होएगी डेफिसिट होएगी और एक्सपोर्ट एक केस में करेंसी आएगी प्लस होएगा क्रेडिट होगा यहां पे डेबिट होगा इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में क्रेडिट होगा सो so जब नेट निकालोगे गुड्स का सिर्फ यू कैलकुलेट द नेट गुड्स इनका बैलेंस निकालोगे प्लस माइनस जो नेट बढ़ेगा दैट विल बी कॉल एड बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे रखने के लिए सो so, ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नो टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यस टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नो राइट यहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी राइट right? बैलेंस की बात होती है तो हमेशा डिफरेंस देखते हैं क्या नेट है और क्या नहीं है राइट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नॉन एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर नॉन एज ऑप्शन है आपके ए नॉमिनल ट्रेड बी इन विजिबल ट्रेड सी विजिबल ट्रेड एंड डी वन ऑफ द अब राइट सो लेट सी हेयर यहां पर आपसे क्या पूछा हुआ है गुड्स के बारे में पूछा हुआ है तो गुड्स की जब बात आती है ना देर आर टू थिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज सी गुड्स आर एक्चुअली विजिबल फिजिकली टच कर सकते हो आप गुड्स को दिखते हैं बट देर इज सर्विसेज सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल गुड्स इन गुड्स मतलब आपको दिखेंगे नहीं यू कैन नॉट टच एंड फील दम राइट लाइक आप हॉस्पिटल सर्विस लो हॉस्पिटल सर्विस आप होटल का यूज करते हैं होटल सर्विस यूज करते हैं एजुकेशन सर्विस यूज करते हैं तो वहां पर आपको ऐसा कोई फिजिकल गुड हाथ में नहीं मिलता राइट बट येस ट्रेड जरूर हो रहा है उसके अंदर बट इन फिजिकल मैं कहूं फिजिकल कोई गुड या फिर कोई टचेबल चीज है कोई टेंजिबल चीज नहीं सो गुड्स आर बेसिकली वॉट गुड्स आर टेंजिबल और यू कैन से विजिबल गुड्स आर आर कॉल्ड कॉल्ड गुड्स एज विजिबल गुड्स राइट एंड सर्विसेज आर वॉट इन और इनविजिबल गुड्स राइट सो करंट अकाउंट बेसिकली किस चीज का बैलेंस है इट इज द बैलेंस ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल ऐसे भी बोला जाता है उसको

सी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नॉन एज अभी देखा है हमने क्या बोलते हैं उसको नॉमिनल ट्रेड नो इनविजिबल ट्रेड येस विजिबल ट्रेड नो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी देट इज इन्विजिबल ट्रेड बिकॉज यू कैन नॉट टच एंड फील दैम आप फिजिकल कोई गोल्ड गुड हाथ में नहीं आता आपके बट यस ट्रेड हो रहा है उसके अंदर डेफिनेटली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी हो रहा है बट किस चीज का सर्विसेज का विच इज इनविजिबल गुड राइट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरनर अगर कोई फॉरनर इंडिया के अंदर किसी होटल सर्विस का यूज कर रहा है तो क्या हम उसको होटल सर्विस एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं येस दैट विल बी काउंटेड एज एक्सपोर्ट अगर किसी फॉरनर ने कोई बाहर से कोई फॉरनर आ रहे हैं और वो इंडिया के अंदर होटल सर्विस को यूज कर रहे हैं तो वी आर वी के विल काउंट द एज एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज राइट दैट विल बी काउंटेड अंडर एक्सपोर्ट राइट ओके द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ऑप्शन बी ट्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल अकाउंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन लाइक अब कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूं हमने देखा था अभी कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट थे अपने करंट और कैपिटल वेन इट कम्स टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट बेसिकली आपकी अकाउंट होती है इन्वेस्टमेंट इट इज मोर लेस इन्वेस्टमेंट्स और लोन लोन वेदर एक्स आपके सोवरन लोन है चाहे एक्सटर्नल लोन है मतलब गवर्नमेंट अगर लोन ले रही है कोई प्राइवेट फॉर्म्स की ईसी बीज होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बोथ और इसके अलावा एक और चीज आती है अपनी एनआरआई के डिपॉजिट्स एन जो है उनके बैंक डिपॉजिट्स होंगे जो अपने इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपके आएंगे एफ डी आई एफ मोर लेस दीज थिंग्स और इनके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ है जिसके अंदर आपका बेसिकली गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा बट पैसे करेंसी आ रही है आपकी फॉर्म बाहर से जो फॉरन करेंसी है वो अगर ऐड हो रही है

दिट्स विल भी काउंटेड यस डेफिनेटली काउंटेड देन इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब रोड यस एफ डी आई एफ आई आई के फॉर्म में आए जो भी तो वो काउंट होगी डेफिनेटली होगी बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम येस दिखा यहाँ पे लोन राइट right? वो भी काउंट होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब एवरी थिंग विल भी काउंटेड अंडर कैपिटल अकाउंट वेदर इज फॉर एक्स इंक्रीजर्फ के चेंजेस इन्वेस्टमेंट्स या बोरोइंग्स सब काउंट होगा यहां पर राइट ओके ऑप्शन डी राइट ओके नेक्स्ट ट्रेड डेफिसिट अकर्स ट्रेड डेफिसिट अकर्स वेन ट्रेड डेफिसिट क्या होगा हमने भी देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा था विस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या था गुड्स और सर्विस गुड्स की बात कर रहे थे हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट हम प्लस लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट होगा करेंसीज का नेट क्रेडिट होगा तो वी विल राइट एज प्लस पॉजिटिव और जब इंपोर्ट होगा तो वी विल राइट एज नेगेटिव बिकॉज डेबिट होगा करेंसीज का आउटफ्लो होगा एक्सपोर्ट के अंदर करेंसी का इनफ्लो होता है और इंपोर्ट के अंदर करेंसी का आउटफ्लो होगा दैट इज नेगेटिव डेबिट तो जब इसका नेट निकालेंगे डेफिसिट के केस में क्या होगा कि आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से सो माइनस विल बी मोर इंपोर्ट विल बी मोर देन एक्सपोर्ट ट विल बी है एक्सपोर्ट आपका इम्पोर्ट एंड दैट विल बी ट्रेड सरप्लस और जब इक्वल हो बिल्कुल बैलेंस हो जितना एक्सपोर्ट हो रहा है तो उतना हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड ट्रेड बैलेंस राइट सो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है अपना ट्रेड डेफिसिट तो क्या होना चाहिए ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट यस इट कुड बी काउंटेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स नो ये तो ट्रेड सरप्लस हो गया एक्सपोर्ट ऑफ लेस देन नो सर्विस की बात नहीं होगी यहां पर गुड्स की बात होगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नो सर्विस की बात नहीं होगी गुड्स की बात होगी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए राइट आई होप आपको बै ट्रेड डेफिसिट इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट या कंस्टीट्यूट द करंट अकाउंट इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसमें से करंट अकाउंट में क्या क्या अकाउंट होगा राइट right? यहाँ पे करंट अकाउंट में हमने देखा है अभी करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या क्या आते हैं आपके करंट अकाउंट के अंदर आपके आएंगे सबसे पहले तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स राइट एंड सर्विसेज इसके अलावा द थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट के अंदर होगा आपका वन वे लाइक गवर्नमेंट अगर किसी को लाइक रेमिटेंसीज आ रहे हैं बाहर से बाहर से जो बंदे बैठे हैं अपने वो अगर आपको डॉलर भेज रहे हैं बाहर के फॉर्म में तो वो क्या है वन वे है आपको इन रिटर्न या एक्सचेंज में गुड से कुछ नहीं मिल रहा सिर्फ एक साइड से पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड इज वन वे इस ट्रांसफर पेमेंट का एक टाइप है लाइक like बाहर से कोई गिफ्ट्स आए या फिर कोई डोनेशन है. Right? So okay. yes. right? है ना गुड्स की बात आती है तो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिनेटली वो काउंट होगा करंट अकाउंट में राइट देन फॉरन एसेट्स नो no. ये किस में काउंट होंगे ये कैपिटल अकाउंट के अंदर काउंट होंगे सो विल बी काउंटेड अंडर कैपिटल अकाउंट सो ये काउंट नहीं होंगे देन बैलेंस बैलेंस ऑफ ऑफ इनविजिबल्स यस इनविजिबल क्या है आपका सर्विसेज राइट विजिबल इनविजिबल अभी करा है हमने सो यस डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो भी काउंटेड देन कम स्पेशल ड्रॉइंग राइट एस डी आर नो वॉट आर आई ये पहली बात काउंट होंगे नो बट वॉट आर दीज ये आई एम एफ की करेंसी होती है यू कैन से लाइक दिस इज लाइक एन आई एम एफ करेंसी जहां पर इसके दम पे आप यू कैन टेक लोन्स राइट अपने आप अगर एसडीआर होल्ड करो तो एक एसेट के अंदर काउंट होता है राइट एसडीआर डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिनेटली एस काउंट होगा बट वो करंट अकाउंट में नहीं काम होगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर काउंट होता है बिकॉज ये हमारा इनफैक्ट फॉरन रिजर्व का भी पार्ट है इट इज काउंटेड अंडर आवर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इट इज काउंटेड अंडर आवर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व और फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी दैट इज ऑप्शन वन एंड थ्री राइट आई होप इसके इस क्वेश्चन के थ्रू तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा यू मस्ट बी लर्निंग अबाउट एस डी एस किसका पार्ट है किसका नहीं एस बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है डेफ यस इन डेफिनेटली और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर किसका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ये राइट सो बिकॉज फॉरन एक्सचेंज का पार्ट है अपना ये तो ऑप्शन क्या कैसा करेक्ट ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टेंथ क्वेश्चन वेन देयर इज अ डैश इन द इकोनॉमी अ ट्रेड डेफिसिट एमर्जेस ट्रेड डेफिसिट कब होगा ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रेड डेफिसिट कब होता है इकोनॉमी में ऑप्शन हैं आपके द वैल्यूज ऑफ कॉमोडिटीज एक्सपोर्टेड इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स ओके कॉमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड एट अ हाइयर रेट देन दे आर इंपोर्टेड ओके द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड सर्विसज ओके द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड सर्विसिज सरपास द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड सर्विसज फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जब भी ट्रेड डेफिसिट की बात आए ट्रेड डेफिसिट का मतलब गुड्स पर सर्विसेज की बात नहीं होगी ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड डेफिसिट गुड्स की बात होती है सर्विसेज की बात नहीं होती तो जहां जहां पर पे सर्विस नाम की चीज दिख रही है तो वो ऑप्शन आपका ना होगा इनकरेक्ट सो लेट अ सी लेट ऑप्शन सी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड सर्विस लेस दिन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड सर्विस नो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड सर्विसिज सर पास इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड सर्विसेज नो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन राइट कमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड एट अ हायर रेट देन देर इंपोर्टेड ये तो ट्रेड सरप्लस की बात है राइट right? ये ट्रेड डेफिसिट नहीं है ये ट्रेड सरप्लस है द वैल्यू ऑफ आर एक्सपोर्टेड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यस दिस इज करेक्ट इस केस में आपका क्या होगा ट्रेड डेफिसिट तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए राइट ओके सी ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री विद ट्रेडिंग पार्टनर कैन बी बेस्ट मेजर थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स राइट एक अच्छा क्वेश्चन है ये ऑप्शन है आपके नॉमिनल एक्सचेंज रेट रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट राइट ये आपसे पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस देखना एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस देखना मतलब ट्रेडिंग किस हिसाब से करेंसीज का लेना देना रह रहा है करेंसी का क्या रेट चल रहा है बेसिकली तो वो कैसे मेजर किया जाएगा इनमें से किस रेट सबसे इफेक्टिव सारे के सारे रेट्स मेजर जरूर कर रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सबसे बेस्ट कौन सा है सबसे ज़्यादा अच्छे जो ज़्यादा अच्छी करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है वो कौन सा ऑप्शन है इसमें से तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो देर आर टू थिंग्स वन इज कॉल्ड एज नील

वी आर ट्रेडिंग इन अलॉट ऑफ अदर करंसीज एज वेल पाउंड है अपना येन है अदर अलॉट ऑफ करंसीज आर देयर सो एक ऐसा बेंच मार्क होना चाहिए जहाँ पर आप एक एवरेज निकालो और बेसिकली एवरेज भी कौन सी वेटेड एवरेज निकलेगी बिकॉज आपके जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो हर कंट्री के साथ डिफरेंट डिफरेंट है तो आप सबको इक्वल नहीं कर सकते जिसके साथ आपका ज़्यादा ट्रेड होगा उसको ज़्यादा वेट देना पड़ेगा राइट सो अकॉर्डिंगली वेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और एक वेटिड एवरेज निकाली जाती है सारे जो एक्सचेंज रेट सारे जो ट्रेड के अकॉर्डिंगली और एक अफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकलता है उसके थ्रू आप मेजर करते हो ये ज्यादा एक अच्छा एक बेंचमार्क होता है जिससे एक्चुअल पता लगता है आपको एक, आपकी करेंसी कहां पर स्टैंड करती है ग्लोबली ग्लोबली क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे आपका करेंसी का स्टैंड पॉइंट पता लगता है वैल्यू पता लगती है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ओके एंड वेन इट कम्स टू ए नीर विच इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड देर इज अ थिंग कॉल्ड रीर मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा जहां पर आप इन्फ्लेशन को लेके चल रहे हो इन्फ्लेशन को ऐड करके चल रहे हो कि जो भी आपकी एक्सचेंज वैल्यू आ रही है वो इन्फ्लेटेड वैल्यू है जो करेंसी में करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा होगा इन्फ्लेशन को ऐड करके उसके बाद जब एक्सचेंज रेट निकालोगे दैट विल बी नीर और जब इसके अंदर से आप वैन नीर के अंदर से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर दोगे यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दो इसको अगर राइट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दो तब निकलता है आपका रील रीर

राइट आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सीखने को मिला होगा नीर और रीर के बारे में राइट क्वेश्चन इलेवन का आंसर है डी ओके नेक्स्ट इंक्रीज इन इंडिया स्टेट डेफिसिट में लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट यहां पर ऑप्शन में क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना ऑप्शन पूछा मे इन इन पॉइंट पे ध्यान दिया करो इन वर्ड्स पर ध्यान दिया करो कि नेसेसरीली पूछा, पूछा है आपसे मे पूछा है बिकॉज बहुत डिफरेंस आ जाता है जब ऑप्शन स्पेशली जब मे वाली चीज़ें तो काफी सारे ऑप्शन ठीक हो जाते हैं लेकिन जब नेसेसरीली हो तो स्पेशली ध्यान देना पड़ता है कि क्या यह डेफिनेटली होगा ही होगा वहाँ पर काफी ज्यादा फोकस चलता है आपका ओके सो इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट मे लीड टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डेफिसिट का मंडे का मतलब क्या है कि आपका जनरली क्या होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है राइट आप ट्रेड डेफिसिट लिखोगे तो ऐसे उल्टा लिखोगे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब दो केस में हो सकता है या तो आपके इंपोर्ट बढ़े अगर इंपोर्ट बढ़ते जाएंगे तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होता चला जाएगा राइट right? दूसरा केस क्या होगा कि आपके एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाए इन बोथ द केसेस इट मे लीड टू इंडिया ट्रेड डेफिसिट अगर आपके इंपोर्ट बढ़ जाए तब भी ट्रेड डेफिसिट हो सकता है इंपोर्ट और अगर एक्सपोर्ट घट जाए तब भी ट्रेड डेफिसिट हो सकता है राइट एंड वन मोर थिंग अब ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट बनने का क्या मतलब होगा इंपोर्ट बढ़ेगा तो मतलब आपकी की क्या होगी डेप्रिसिएशन होगी राइट आपकी करेंसी की जो है वैल्यू क्या है घट रही है बिकॉज इंपोर्ट बढ़ने का मतलब यही करेंसी का आउटफ्लो रहा है राइट right? आपकी जो डॉलर का आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा राइट सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी नो ट्रेड डिफिजिट में तो उल्टा डिक्रीज होगा इंक्रीज की बजाय बी डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी येस इट कैन हैपन येस डेफिनेटली इंपोर्ट बढ़ रहे हैं ना आपके इंपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि आपकी करेंसी की बाहर आउटफ्लो ज्यादा है तो डेप्रिशिएट होगी रुपी राइट देन एप्रिसिएशन ऑफ रुपी नो no. एप्रिशिएट क्यों होगा वैल्यू तो घट रही है फॉरन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है इस केस में देन इंक्रीज इन जी डी पी नो सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज डेफ्रिसिएशन ऑफ रुपी तो ट्रेड डेफिसिट मे लीड टू डेफ्रिसिएशन ऑफ रुपी राइट सी आंसर बी नेक्स्ट आरबीआई इंटरवीन आरबीआई इंटरवीन्स इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट टू राइट आरबीआई फॉरन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कब इंटरवीन करता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है एक्सचेंज मार्केट का एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ पे चलता है मैनेज फ्लोटिंग अपने इंडिया के अंदर चलता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वॉट इज दैट सी देर आर थ्री बेसिकली देर आर थ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम वन इज दर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक अपना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और एक अपना फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और थर्ड वन इज मैनेज फ्लोटिंग फ्लोटिंग वाले के अंदर क्या होगा हेयर द मार्केट फोर्स विल डिसाइड द एक्सचेंज रेट मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर सबको डिसाइड होगा यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता कोई कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के थ्रू चल रहा होगा राइट right? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के थ्रू चल रहा होगा मार्केट विल डिसाइड कि क्या है कैसे करें लाइक like यूएस के अंदर बेसिकली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है वहाँ पर मार्केट डिसाइड करती है कितनी डिमांड कितनी सप्लाई वो सब मार्केट के ऊपर है और एक होता है फिक्स्ड फिक्स्ड के अंदर क्या होगा आपका एक सेंट्रल अथॉरिटी फिक्स कर देगी चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो बट सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड कर लेगी लेट से एक डॉलर पचास रुपए तो फिक्स कर दिया ना ऊपर ना नीचे चाहे कितनी डिमांड कितना ही सप्लाई हो वो होगा के अंदर और इंडिया के अंदर जो थर्ड टाइप है वो चलता है विच इज मैनेज फ्लोटिंग जो दोनों का मिक्सचर है फ्लोटिंग का भी और फिक्स का भी उसका मतलब क्या होगा कि एक सर्टन पॉइंट तक मार्केट को चलने दिया जाएगा डिमांड सप्लाई के ऊपर ही राइट एक सर्टन पॉइंट तक डिमांड सप्लाई डिसाइड कर रहा होगा बट आफ्टर दैट अगर वॉलिटिलिटी बढ़ने लग जाए बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी आने लग जाए प्राइस इंस्टेबिलिटी बनने लग जाए डॉलर का प्राइस बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए तो उस केस में क्या होगा या फिर डॉलर रेट बहुत ज़्यादा घट जाए तो उस केस में भी क्या होगा देन आर विल इन्फ्लेट तब आर एंटर करेगी एंड आर विल फिक्स द रेट वो स्टेप्स लेगी उस ओनली इन दैट केस अदरवाइज मार्केट फोर्सेज डिसाइड कर रही होती हैं राइट दिस इज वॉज मैनेज फ्लोटिंग रेट स्पेशली जो इंडिया के अंदर चलते हैं राइट आई होप क्वेश्चन ये चीज़ समझ में आई होगी मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या है सो द करेट ऑप्शन के आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट टू कंटेन द कंटेनिटिलिटी इन रूपी आरबीआई इन द दॉरन एक्सचेंज मार्केट फर्स्ट स्टेटमेंट टू कंटेन द कंटेनिटिली इन रूपी यस टू सेट अ प्राइस बैंड फॉर रूपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर नो वाई नो बिकॉज इंटरवीन सिर्फ वो इसलिए तब करते जब वॉलिटिलिटी बढ़ जाए उनका टारगेट वॉलिटिलिटी को कंट्रोल करना होता है हर टाइम इंटरवीन नहीं करेगा वो मार्केट फोर्सेस करने दिया जा रहा है जनरली वो नहीं करती सेट प्राइस बैंड वो सिर्फ और सिर्फ वॉलीटिलिटी कंट्रोल करने के लिए आती है उस टाइम पे वो कैसे करेगी प्राइस बैंड को डिसाइड ना करके बेसिकली दे विल एक्चुअली बाय और सेल डॉलर्स वो उसकी वैल्यू को ना फिक्स करके दे विल मतलब अगर मार्केट में डॉलर कम है तो दे विल इन्फ्यूज अगर ज्यादा है तो खींच लेंगे सकआउट कर लेंगे सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए दैट इज ऑप्शन वन ओनली बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट राइट सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो बट बिफोर दैट I have a very important announcement for you. That is the HCS Prelims Test Series. We have launched an exclusive test series for you. Because अब आपका time test series का आज चुका है. अब आपका 11 फरवरी को अपना prelims होने वाला है. और जो best strategy होती है उसके लिए one is the study part. Then second is जब मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपको बताया भी है कि application part. और वो कैसे achieve करोगे आप? That is through test. एक तो होगा randomly कोई भी MCQs उठाए. आपने practice कर दी. ओके दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल बट द रियल थिंग इज कि आप बैठ के जैसे आपका एग्जाम डे में जो एग्जाम होने वाला है एक्चुअली बिल्कुल उसी सिनारी के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाए जहां पर वो सारे के सारे उसी टाइम मैनेजमेंट के साथ उसी टाइम लिमिट के अंदर आप पेपर को अटैम्प्ट करो राइट वो एक बेटर वे होता है आप एक्चुअली सीखोगे पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना बिकॉज अटैम्प्टिंग ए पेपर इज ऑल्सो एन आर्ट वो एक आर्ट और स्किल होता है विच यू एक्वायर थ्रू प्रैक्टिस और वेयर दिस प्रिंस मोक टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू आउट जहां पर इसका रोल प्ले होगा एक्चुअली वट ऑल कंटेन टेस्ट सीरीज यू ट्वेंटी छब्बीस टेस्ट मिलेंगे आपको जिसके अंदर आपका जीएस सी सेट जीएस के सेक्शनल टेस्ट जीएस के फुलट के फुल टेस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एक टेस्ट सीरीज आपको पूरा सोल्यूशन है और द प्राइज भी है इट इज वेरी वेरी नॉमिनल आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट पे 6500 के अंदर जो कि पहले 8500 था आपके लिए स्पेशल टू थाउजेंडेंडेंडेंडेंड रुपीज डिस्काउंट देके यू आर गेटिंग इट एट जस्ट रूपी सिक्टी फाइन हंड पैंसठ सौ के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा जहां पर आपको चार आपके सी सेट के कम्पलीट सी सेट टेस्ट मिलेंगे कंप्लीट जी के टेस्ट भी मिलेंगे चार सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे सेक्शनल जी के सी सेट के एवरी यू विल भी गेटिंग एवरी इट इज़ अ वेरी वेरी मस्ट रिकमेंडेड फॉर यू आई विल रियली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट डोंट वेट फॉर इट नाउ बिकॉज द टाइम इज़ कम नाउ ईच एंड एवरी डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मिनट भी वेस्ट करने का टाइम नहीं बनता अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रिलिम्स की एक बार अच्छे इसका एग्जाम क्लियर हो गया तो फिर लाइफ सेट है कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी एक अच्छी आपके हाथ में एक अच्छी जॉब होएगी राइट सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक फॉर यर फ्यूचर एंड डिवर्स एंड एंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल आई विल ड्यू टेक केयर एंड बाय थैंक यू